हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ले जी, टाइम हो गया रात 2 बजे का, पाकिस्तान में सब 4 बजे होंगे। और थोड़ा क्या जी, मेरा ख्याल है लाइट का मसला ना हो। पाकिस्तान में इस वक्त 4 बजे होंगे और आपने भी देखा ये साइडों पर जो है ये बॉल्स बने हुए हैं। ये क्या हैं? ये शामियाने हैं या टेंट्स हैं। और खुले मैदान में रेगिस्तान बियाबान सहरा के अंदर ये कैंप्स बनाए हुए हैं इन्होंने, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। हमारे शामियाने जो हैं वो पीछे हैं और वो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि शामियानों के अंदर ही जो है प्राइवेट बाथरूम भी हैं, एयर कंडीशनर भी हैं। आप यकीन माने पिछले 2 दिन से जो है ये किस साल का है? और हम आए हैं तो हमारा दोस्त बन गया फॉरन। एनीवेज, जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि बहुत खूबसूरत जगह ये, और मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा, इतना थका हुआ कि मैं बता नहीं सकता। Hey, I'm making a video. Yes, yes. Yeah. I'm sorry. Yeah. Yeah. If you want to talk to someone, please go there. Okay. Are you? तो कहाँ था मैं? याद के पास खड़ा था. Okay. तो अब सुबह हमने, मतलब 3 घंटों बाद उठ के हमने टूर पे निकलना है, और वो ग्रैंड कैनियन, कौन सा कैनियन है, अच्छा जो भी कैनियन, अभी मुझे याद नहीं, सुबह आपको साथ साथ बताते जाएंगे। और यहाँ पे जो मार्शल मूवी है, इंडियाना जॉन्स है, और इसके अलावा और भी जो हॉलीवुड की फेमस मूवीज हैं वो बनी हैं यहाँ पर। और इसके अलावा 2 ब्रिजेस भी हैं, फिर रेड सैंड है, बहुत दिलचस्प जगह हैं। और फिर इट्स ऑब्वियस जो मजहबी रिलीजियस हिस्ट्री है, मजहबी तारीख है, वो भी है यहाँ पे। जब सुबह जाएंगे तो तब बताएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए सुबह पहले 3-3.5 घंटे की ड्राइव अमान से, नींद पूरी किए बगैर अमान से गए हम पेट्रा में। पेट्रा में पैदल कोई मेरा ख्याल है 2 घंटे वॉक की, ऊपर नीचे, पत्थरों वाला रोड था सारा, और धूप थी शदीद। और उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी चला के हमें कम उबेश से कोई 1 घंटे 40 मिनट का सफ़र था, लेकिन आगे पीछे होते होते जगह नहीं थी मिल रही हमें, तो ये भी कोई 2.5 से 3 घंटे में लग गए। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं 3 घंटे बाद उठ के, मतलब कि नींद में ही हमारा सारा टूर हो रहा है, लेकिन हम फिर भी इसे एंजॉय कर रहे हैं। और कल हमारा प्लान ये है अब कि यहाँ से टूर मुकम्मल करके हम 1 घंटा सोने की कोशिश करेंगे, और फिर हम दरिया यर्दन चले जाएंगे, जॉर्डन रिवर, या फिर हम जाएंगे डेड सी, क्योंकि उस दिन हम नहीं देख सके। तो इट्स एडवेंचरस, इट्स गुड, इट्स फन। और एक मेरा एक्सपीरियंस था जो यूनिक था रहने के हवाले से, वो था कैपेडोकिया में, तुर्की में, क्योंकि वहाँ केव्स जो हैं, गुफाएं, जो गारें होती हैं, उनके अंदर एसी लगे थे, डबल किंग साइज बेड लगे हुए थे। और आप पुरानी दुनिया के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन जब अंदर कमरे में जाते हैं अपने, तो आगे नई दुनिया होती है। तो असल में उन्हीं गारों को, उन्हीं पहाड़ों को अंदर से खुरेद के उनको कमरों की शक्ल दी है, अटैच बाथरूम है, कमोड्स हैं। एक वो यूनिक एक्सपीरियंस था, और एक ये यूनिक एक्सपीरियंस है कि ओपन एयर में आप शामियाने जो है उनमें रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, और टेंट्स जो हैं उनके अंदर एसी भी लगे हैं, प्राइवेट बाथरूम भी हैं। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, इट्स गुड एक्सपीरियंस। तो अगेन मैं खुदा का मशकूर हूँ इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और इन सारी जगहों पर हमें लाने के लिए। यकीनन उसके फजल और उसके रहम के बगैर जो है ये सब मुमकिन नहीं हो सकता। तो साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, टिकटॉक पर जो है वो फॉलो करें, और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।